चलिए फिर आज हम अपने दूसरे टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे सारे यही प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे सामने अभी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अटमोस्ट गुड फेथ, जिसको उम्ब्रा फिडाई भी कहते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सबरोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉज अप्रोक्सिमा, ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमने आगे इंश्योरेंस के सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, जब भी आप एज अ इंश्योरर काम कर रहे हो या एज अ क्लाइंट काम कर एज अ कस्टमर उनके पास जा रहे हो, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। उम्ब्रा फिडाई क्या चीज है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने कोट किया हुआ है, ये मेरी पिक्चर नहीं है, आई हैव टेकन इट फ्रॉम नेट, सो ऑल क्रेडिट टू द पर्सन हु डिड इट। इसमें बहुत मेहनत की है उन्होंने, मैं कॉपीराइट के वजह से इसको कोट कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो उम्ब्रा फिडाई का मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। ओके, अपनी स्लाइड पे चलते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ, इसमें क्या है, मैं अगर आपको कुछ सामान बेच रहा हूँ, यानी मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मैं आपको एक पॉलिसी बेच रहा हूँ, तो जब मैं आपको कुछ बेच रहा हूँ, उसको बेचने से पहले मैंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की एप्लीकेशन फॉर्म में, आपके जो प्रपोजल फॉर्म में, उस प्रपोजल फॉर्म को मैं स्क्रूटनाइज करते हुए ये बिलीव कर रहा हूँ कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने उसमें मेंशन किए वो सारे सही हैं, उसमें मैनिपुलेशन नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों को अगर किसी एक एग्रीमेंट में आना है, तो हमें एक दूसरे के को ट्रस्ट करना पड़ेगा। मुझे आपको ऑनेस्टली चीजें बतानी पड़ेंगी, आपको अपनी चीजें मुझे बतानी पड़ेगी। जैसे कोई मेडिकल इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताएं, हम उसके हिसाब से आपके प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे, और अगर आपका केस कंसिडर करने के लिए फिट होगा तो कंसिडर करेंगे, नहीं तो पहले ही बता देंगे। यूसी इसमें क्या फायदा है कि आप अपने डिस्क्लोज करें और हम आपका मना कर दें पहले ही, इसका फायदा आपको क्या होगा, वो ये फायदा होगा कि देखें आज की डेट में आपको ये जो आज की डेट में हम जो आपको पॉलिसी दे रहे हैं, वो एक रॉन्ग एजम्पशन पे दे रहे हैं कि आपने हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई वो सारी ठीक है, वो ठीक नहीं है, आपने कुछ चीजें कंसील कर ली। जो आपने कंसील कर ली, अगर हमें वो बाद में पता चलेंगी, तो देखें हम बाद में भी रिएक्ट करेंगे। आज आपने प्रीमियम पैसे दे दिया, अगले साल प्रीमियम देंगे, ऐसे 10 साल देने के बाद हमें पता चलता है, जब पॉलिसी हुई थी तो आपको एक डिजीज एग्जिस्ट कर रही थी जो आपने डिक्लेरेशन फॉर्म में नहीं बताई, बट हमें बाहर से डॉक्टर से पता चली, हमें आपके मेडिकल रिपोर्ट से पता चली, तो उस सिचुएशन में हम आपको कुछ नहीं देंगे, हम आपको सिंपल एक तरीके से रिजेक्ट करके वापस कर देंगे कि आपने नोइंगली मटेरियल इंफॉर्मेशन कंसील की। कंसील की मतलब छुपाई, और उस छुपाने की वजह से आपका काम खत्म, यानी आपको कोई क्लेम नहीं मिल सकता। आप देखें एक लड़की जो मैरिज के लिए जा रही है, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो हम सबको बहुत आराम से समझ लगेगा, लड़की हो लड़का हो कोई भी मैरिज के लिए जा रहे हैं, मैरिज से पहले जो हमारी इंट्रो आपस में हो रही है, तो उसमें वो एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि आप किसी आपका कोई बेस्ट फ्रेंड था पहले, तो दोनों मना कर रहे हैं, लेकिन मैरिज के होने से बाद पता चलता है कि नहीं, ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनमें से एक ऑलरेडी डिवोर्स ही है, तो आप समझे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस रिलेशनशिप के ऊपर। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमें जो भी फैक्ट्स हैं वो सामने वाली पार्टी को बताना है। जैसे गाड़ी सेकेंड हैंड है, फिर मैं उसको किसी को बेच रहा हूँ, तो मुझे उसको ऑनेस्टली बताना पड़ेगा कि गाड़ी मेरी नहीं थी, मैंने इसे कहीं से खरीदी थी और मैं आपको बेच रहा हूँ। अगर आप सारे फैक्ट्स रखेंगे, सामने वाला खरीदने से पहले उसको दिमाग में रख के डिसाइड करेगा लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन कंसील की, छुपाई, तो बाद में ये पता चला तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज अपनी कुछ पॉलिसीज की फीचर्स को छुपा नहीं सकते, अगर कुछ है तो सब एक्सप्लोर बताना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन लिख के देनी पड़ेगी, उसकी पॉलिसी डिटेल लिख के देनी पड़ेगी। आप फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकते। ठीक है, बाद में कहें ये तो था ही नहीं, तो नहीं चलेगा। तो अटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल को फॉलो करना है, उसमें दोनों पार्टीज के लिए ट्रूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशंस हैं वो देखें वो तभी इंश्योर करी जा सकती हैं जब मटेरियल फैक्ट दोनों पार्टीज ने डिस्क्लोज किया है। अगर कोई कंसील करके बैठा है तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। देखिए, फेलियर टू रिवील इंफॉर्मेशन विल लीड टू लाइक दिस कॉन्ट्रैक्ट गोइंग इन टू वॉइड कैटेगरी। वॉइड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तब होता है जबकि लाइक इसी वॉइड का मतलब है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी वैलिड, वैलिड होने के लिए उसको एसेंशियल है कि आप डिस्क्लोजर करें, इंफॉर्मेशन बताएं सामने वाले पार्टी को। देखें आपने जो भी करना है वो सामने वाली पार्टी की कंसेंट के साथ करना है, अपने सिंगल दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक पार्टी के कहने से नहीं होगा, इट हैज टू बी क्लियर टू बोथ द पार्टीज और उनकी म्यूचुअल कंसेंट से ही होगा। जब भी आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर रहे हैं वन साइडेड विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर पार्टी, इट मे टेक योर कॉन्ट्रैक्ट इन टू वॉइड कैटेगरी, जिसको कि हम ठीक नहीं कर सकते, तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। मिस रिप्रेजेंटेशन है, नॉन डिस्क्लोजर है, विल लीड टू प्रॉब्लम। अब ये देखें, इसमें हमारे
एक सेकंड प्रिंसिपल स्टार्ट हो गया, मैं अभी नाम नहीं बता रहा, लेकिन आपको सिचुएशन रख रहा हूँ कि यहाँ पे सोनिया करके कोई हमारे नेबर है, ठीक है, और एक मिस्टर विकास है। ये मिस्टर विकास जो है वो दोनों नेबर हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं आई डोंट नो, बट अभी विकास जी एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं सोनिया मैडम के लिए, जो कि सोनिया मैम को नहीं पता। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। विकास तभी इनकी पॉलिसी ले पाएंगे अगर इनका कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा हो, हस्बैंड वाइफ हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, किसी तरीके से कोई रिलेशनशिप में है, और इन दोनों को एक दूसरे के होने और ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हस्बैंड और वाइफ एक रिलेशन में है, वाइफ के चले जाने से यानी डेथ हो जाने से हस्बैंड के ऊपर बहुत मुश्किल टाइम आ जाएगा, और सेम इज विद वाइफ। तो इस सिचुएशन में इंडिविजुअल जिसकी इंश्योरेंस हो रही है उसके होने या ना होने से दूसरे आदमी पे बहुत इफेक्ट आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप इंश्योरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे आपके नेबर है, नेबर आज ये है कल कोई और आ जाएंगे, परसों कोई और आ जाएंगे, तो आप इसके रीजन से इंश्योरेंस नहीं ले सकते कि हमारे नेबर हैं तो हमें इनकी इंश्योरेंस करना चाह रहे हैं। देखें, आप लेट से आप एक कंपनी के मालिक हैं और आप अपनी कंपनी में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए आपने अमिताभ बच्चन को हायर किया है। जब आपने अमिताभ बच्चन को हायर किया है और उनको करोड़ों में ब्रांड एंडोर्समेंट फी दे रहे हैं, तो उस टेन्योर में आप अमिताभ बच्चन की इंश्योरेंस ले सकते हैं कि अगर अमिताभ बच्चन को कुछ हो गया तो फिर उसका एक साइड इफेक्ट पड़ेगा आपकी प्रोडक्ट की सेल के ऊपर, तो उस चीज के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, आपकी सेल हिट हो रही है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम जो कह रहे हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स उसको हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ओके, हस्बैंड वाइफ के लिए ले सकता है, वाइफ हस्बैंड के लिए ले सकती है, फादर सन के लिए ले सकता है, सन फादर के लिए ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट के इन्होंने फोर एसेंशियल्स दिए हैं, आप गो थ्रू कीजिए, थ्योरी है थोड़ा सा। हम बेसिकली यहाँ पे आते हैं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, आप देखें इसमें एक्सट्रीम राइट साइड में एक मकान में आग लगी हुई है, और ये जो मिस्टर ए हैं वो बेचारे स्ट्रेस में चले गए हैं कि इतना बड़ा लॉस हो गया, अब इसको कैसे रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे बीच में जो खड़े हैं वो हमारे कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं, वो इस इंश्योरेंस कंपनी को इस पर्टिकुलर लॉस के लिए जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसके लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं वहां से कंपनसेशन निकाल के इनको रीपेमेंट कराने में इंटरेस्टेड है। तो ये बेसिकली एक फायर इंश्योरेंस का एग्जाम्पल है जिसमें हम इंडेमनिटी दिखा रहे हैं। इंडेमनिटी क्या है? इंडेमनिटी इज टू कंपनसेट इन स्टेट ऑफ लॉस, यानी फ्यूचर है, इवेंट है कोई, यानी लॉस के लिए हम कंपनसेट करेंगे। किसी टाइप का लॉस हो सकता है, आपका मटेरियल लॉस हो सकता है, लाइफ लॉस हो सकता है, तो जैसा भी कैश और काइंड जो भी है, हम कोशिश करते हैं कि जो भी लॉस हुआ उस पे हम रिप्लेसमेंट एक एसेट क्रिएट करके थे, ठीक है। जैसे मकान खत्म हो गया तो कोशिश ये रहेगी कि जो इस मकान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी सारी, जो भी वैल्यू मेंशन थी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में, तो हम उसको कहीं ना कहीं क्लेम कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज लाइक, इसी को ही हमने अब यहाँ पे देखा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मीन्स पिक्चर पहले आ रही है और फिर प्रिंसिपल का नाम बाद में आ रहा है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबल डैमेज और लॉस, यानी जो भी पॉसिबल डैमेज और लॉस फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो इंश्योरेंस कंपनी विल कम एंड विल कंपनसेट यू फॉर द सेम। हाउ इंडेमनिटी इज प्रोवाइडेड, यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं कि कैश पेमेंट कर सकते हैं, वन टाइम सेटलमेंट कर देंगे पूरा कैश पे करके। दूसरा हो सकता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस से काम हो जाए, जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस ले रखी है आपने, गाड़ी कहीं लग गई आगे या पीछे, तो उसके जो भी पार्ट्स रिपेयर होने हैं या उनकी रिप्लेस करनी है, तो वो रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। अब अप्रूव्ड डीलर्स के पास जाइए, वहां पे आपको इंश्योरेंस में कुछ पे नहीं करना, एक छोटा सा बेसिक अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसको डिडक्टेबल कहते हैं, और उसके अलावा बाकी सारा का सारा जो भी अमाउंट रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो बट एक चीज है, लॉस को पहले लॉस एसेसर आके एक बार वेरीफाई करेगा कि कितना अमाउंट है लॉस का, और उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट होगा। रीइंस्टेटमेंट का भी एक पॉइंट रखा उन्होंने, रीइंस्टेटमेंट मतलब कि एक बार अगर आपका एसेट है उसके लिए आपको कुछ पेमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, कि एक मकान है उसमें साल के शुरू में आग लग गई, उसके बाद दोबारा बीच में साल के बीच में एक बार फिर आग लग गई, तो जो पहली आग में आपको कुछ कंपनसेशन मिली है और वो टोटल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एक्सपेक्टेड से, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रीमियम एडिशनल पे करके
तो फिर से हम अपने पॉलिसी की वैल्यू को एनहांस कर सकते हैं। दिस टर्म इज कॉल्ड एज रीइंस्टेटमेंट। देखेंगे आगे कोई केसेस के अंदर ये आ जाए। सबरोगेशन, ये पिक्चर आई है तो अगला प्रिंसिपल शुरू हो जाएगा सबरोगेशन। सबरोगेशन में क्या होता है, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। ओके, सबरोगेशन आप ये यहाँ जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़िए, आपको समझ लगेगी बेसिकली हो क्या रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करता हूँ। सबरोगेशन में आप लेट से एक जगह पे आप एलपीयू के कैंपस में घूमने के लिए आए, ठीक है, और आप जब कैंपस में आए हैं तो आपने पार्किंग लॉट में पेमेंट करके अपनी गाड़ी पार्क की, जो एक्सटर्नल पेमेंट के एक्सटर्नल व्हीकल्स की पेमेंट पार्किंग वाली जगह है वहां पे आपने जाके कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, गाड़ी पार्क की, चाबी लगाई, आप आए घूमने। घूम फिर के जब आप वापस जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके गाड़ी जिस जगह पे पार्क की गई थी वहां पे नहीं है। अब इस सिचुएशन में देखें आपकी गाड़ी चोरी हो गई, तो चोरी होने की सिचुएशन में देखो आप वो क्या रहा है, आपने तो इंश्योरेंस करा रखी थी गाड़ी की, इसलिए आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा। क्लेम मिलने पे इंश्योरेंस कंपनी जो आपको क्लेम दे दे रही है, आपका तो हो गया ये सब, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम के पैसे को जो आपको पे किया है वो कहां से रिकवर करे, गाड़ी तो उनके पास नहीं है। तो जो नॉर्मल प्रोसीजर में आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, एफआईआर करेंगे, वहां से नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट लेंगे, उस नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट को आप इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करवाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी को अपनी रिपोर्ट आपने दी, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने अपने जो भी असेसमेंट प्रोसेस के थ्रू आपकी रिपोर्ट चेक की, और चेक करने के बाद अगर आपका क्लेम जेन्युइन लगा तो उन्होंने आपको पेमेंट किया। तो इस तरीके से आप तो बाहर निकल गए, लेकिन अभी ये लॉस इंश्योरेंस कंपनी का लॉस हो गया। तो वो लॉस रिकवर करेंगे कैसे, कि जो भी इंडिविजुअल इस चोरी में इन्वॉल्व था या वो पकड़ा जाए, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर जो आपका पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर था जिसने स्लिप दी थी बाकायदा गाड़ी की और वहां से गाड़ी चोरी हो गई, तो उस कॉन्ट्रैक्टर से इंश्योरेंस कंपनी रिकवर करेगी। ओके, तो ये कोर्ट में केस चलेगा। कोर्ट में केस क्योंकि आपकी गाड़ी थी तो आप ही को चलाना चाहिए, लेकिन आप तो अब नहीं एग्जिस्ट कर रहे क्योंकि आपकी तो पेमेंट हो गई है, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सेटल कर दिया है। तो उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट में आपके नाम से केस फाइल करेगी कॉन्ट्रैक्टर को लेके, और उसमें इंश्योरेंस कंपनी फाइट करेगी क्योंकि आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनी उसके एक्चुअल क्रेडिटर माने जाएंगे क्योंकि उन्होंने तो पेमेंट कर दी, जो एक्चुअल ओनर था उसकी पेमेंट हो चुकी है, तो अब वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और उसके जो राइट्स थे एज क्रेडिटर, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, वो अभी ट्रांसफर हो गया इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी वो सामने वाली पार्टी से रिकवर करेगी। लेट से वो बाइक वापस मिल जाती है या वो कार वापस मिल जाती है, उस सिचुएशन में वो गाड़ी या जो बाइक है वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं सबरोगेशन, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, अब मैं इसको सिंपल, अब यहाँ पे बहुत लंबा लिखा है आप देख सकते हैं, बट इसमें आपको समझना ये है कि हो सक देखें क्या मेरा क्वेश्चन है आपको पहले, कि क्या इंश्योरेंस जो है एक इंडिविजुअल लाइफ की, उसको आप एक कंपनी से ज्यादा कंपनीज में करवा सकते हैं, यानी मैं अपने लिए ही डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से 5-5 लाख रुपए का प्लान ले सकता हूँ। अगर मैं पूछूं इसका आंसर है यस, मैं ले सकता हूँ। तो उस सिचुएशन में मुझे लेट से मैंने 5 कंपनी से 5-5 लाख रुपए का कंपनसेशन लिया और मुझे कल डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में 5 × 5 25 लाख रुपए का कंपनसेशन मेरी फैमिली को पे किया जाएगा। देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल कहाँ लागू होता है, ये जनरल इंश्योरेंस में लागू होता है। जनरल इंश्योरेंस में क्यों लगता है, देखिए हमने लेट से मैं अभी एक क्लासरूम में एक बेंच पे बैठा हूँ, ये बेंच की कॉस्ट है, लेट से 5000 रुपीज का ये चेयर है जिसपे मैं बैठा हूँ। अब ये 5000 की जो हमारा एसेट है, ये एसेट को अगर मैं 5 इंश्योरेंस कंपनी से 5-5 हजार रुपए का इंश्योर करवा लूँ, और लेट से इस बेंच को किसी ने डैमेज कर दिया ओवरनाइट, आज गए कल वापस आए तो ये बेंच एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उस सिचुएशन में इस बेंच के लिए क्या मैं 5 इंश्योरेंस कंपनी से 5-5 हजार ले सकता हूँ, तो बढ़िया बिजनेस है, 5 लगाओ 25 कमाओ, तो ये बिजनेस ऐसे नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। इसमें क्या होगा, अगर आपने एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियों में किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था, अगर आपने किया है जनरल इंश्योरेंस के केस में, तो आप मैक्सिमम अपनी कॉस्ट ही रिकवर कर सकते हैं जो 5000 है। तो अब ये 5 इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम तो आपसे ले लिया, लेकिन जब कंपनसेशन देने की बारी आएगी तो 5 मिलके आपको 5000 रुपए देंगे, तो पर इंश्योरेंस कंपनी आपको 1000 रुपए की कॉन्ट्रीब्यूशन लग रही है, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कॉज़ा प्रॉक्सिमा। कॉज़ा प्रॉक्सिमा का मतलब होता है कि जहां पे आपका कोई एक रीजन है, यानी लॉस के लिए कोई ना कोई रीजन रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपने घर से निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी चलानी शुरू की, गाड़ी 40 पे चल रही थी, लेकिन रास्ते में आपने गाड़ी एक पेड़ में मारी जिसकी वजह से आग लग गई गाड़ी में, और उस आग की वजह से आसपास जो पार्क्ड गाड़ियां थी उनमें भी आग लग गई।
अब देखिए सारी प्रोसेस के अंदर अभी आग लग गई है, लॉस ड्यू टू फायर, बट फायर इज नॉट द रीजन फॉर लॉस। रीजन क्या था? मैकेनिकल फेलियर इन कार, गाड़ी गड़बड़ हुई तभी जाके पेड़ पे टकरी, पेड़ पे टकर के आग लगी। तो बेसिक रीजन ये नहीं है कि फायर है लॉस का, बेसिक रीजन है कि देर इज अ मेडिकल मैकेनिकल यू हैव फेलियर फाइव इन मिनट्स कार। रिमेनिंग। ओके, तो उस वजह से आप, हम जब भी कभी कोई इंसिडेंट घटती है तो वहां पे इंस्पेक्शन टीम जो पहुंचती है, सबसे पहले वो यही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इस लॉस का, ताकि हम उसी के हिसाब से फिर सारा अपना प्रोसेस देख सकें रिस्क मैनेजमेंट का, कि ये कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे एक वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है और उसको फायर इंश्योरेंस से हमने कवर किया हुआ है, लेकिन रात को इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी वजह से एक उस कमरे के अंदर क्या हुआ, एक सब तरफ ये बोलो आप स्मॉग यानी धुआं धुआं फैल गया सारा, और उस धुएं की वजह से वहां पे जो टेम्परेचर था रूम का वो बढ़ गया, और जो हमने वहां सामान प्रिजर्व करके रखा था ठंड में, वो सब ठंडे की जगह गर्म हो गया और वो सारा डैमेज हो गया। अब इसमें आप नेक्स्ट डे जब आके देखते हैं सामान डैमेज हो चुका है, तो क्या आप इसका क्लेम ले पाएंगे? तो उसमें वो लोग देखेंगे कि आपने किस चीज की रिस्क कवरेज किया है। अगर वो रीजन इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तब तो पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई और ही रीजन से ये लॉस हो गया तो उसको वो नहीं देखेंगे। तो इसलिए एक सिचुएशन में एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज्यादा रीजन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आपको प्राइमरी कॉज देखना है, बाकी नहीं देखना है। ठीक है, इसके साथ मुझे लगता है आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम